हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नफीस हेल्थकेयर। दोस्तों, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि हार्ट से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक के जो चांस होते हैं, अक्सर डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है लोगों में। अक्सर सुना होगा कि अचानक से यंग मैन था, एक जवान लड़का था, उसको हार्ट अटैक आ गया और सडनली उसकी डेथ हो गई। दोस्तों, हार्ट को हेल्दी रखना बहुत ही जरूरी है अगर हम स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं। दोस्तों, जैसे कि हार्ट अटैक के जो कारण होते हैं, अक्सर जो लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग का सेवन ज्यादा करते हैं, फैटी चीजें, बाहर की चीजें, जंक फूड बहुत ज्यादा लेते हैं, तो ये क्या करते हैं भाई, हमारे नसों में जो हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं वहां ब्लॉकेज पैदा करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक के चांस बढ़ने लगते हैं और दिखाई देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है दोस्तों, ये हमारे बॉडी बिल्ड के लिए और हमारे हेल्थ के लिए काफी बेनिफिट होता है। ये हमारे हार्ट के लिए ठीक होता है, बेस्ट होता है। इसके अलावा हमारे आंखों के लिए, हमारे ब्रेन के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। ओवरऑल इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है, ये इसेंशियल फैटी एसिड होती है जो कि हमारे बॉडी में सेल्फ नहीं बनती, इसे हमें बाहर से लेना होता है, डाइट के जरिए लेना होता है, सप्लीमेंट के जरिए लेना होता है, ठीक है, ये क्योंकि हमारे बॉडी में खुद नहीं बनती है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होती है, इसके क्या बेनिफिट होते हैं जो लोग अपने डाइट में रेगुलर बेसिस पर इसका यूज करते हैं। पहला जो बेनिफिट होता है दोस्तों, ये हमारे हार्ट के लिए काफी फायदेमंद होता है। जब भी हम इसका सेवन करते हैं तो हमारे बॉडी में क्या होता है भाई, गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल के लेवल को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, और दोस्तों एलडीएल जो होता है, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसके स्तर को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से दोस्तों हमें स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसे खतरों से बचाया जा सकता है और हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि जिनकी नसें ब्लॉकेज होती है, जिनमें प्लेग जमा होते हैं, जहां हार्ट की जो नसें होती है, जिसको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, जहां ब्लड की सप्लाई होती है, तो प्लेग को रिमूव करता है, हटाता है और ब्लॉकेज को रोकता है, जिससे कि हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक से इम्प्रूव रहे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, जो लोग इसका यूज करते हैं तो उनकी बीपी भी मेंटेन रहती, जैसे हाई बीपी को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, नॉर्मल करता है, ठीक है। दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होती है, इसका दूसरा जो बेनिफिट होता है, हमारे ब्रेन के लिए काफी बेस्ट होता है, फायदेमंद होता है। जैसे कि हम अगर एंजाइटी या डिप्रेशन में रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसका जो लोग रेगुलर बेसिस पर यूज करते हैं, अपने डाइट में लेते हैं, तो ये एंजाइटी डिप्रेशन के स्तर को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों, न्यूरोडिजनरेटिव डिजीज में काफी बेस्ट होता है, जैसे कि दोस्तों जिसमें एल्जाइमर आती है। एल्जाइमर में क्या होता है दोस्तों, हमारा जो ब्रेन होता है, जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, हमारी याददाश्त कम हो जाती है, अक्सर बढ़ती उम्र में ये एल्जाइमर डिजीज देखने को मिलती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, काफी फायदेमंद होता है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं, जो कि सूजन और इन्फ्लामेशन को कम करने में मदद करती है। जिन लोगों को आर्थराइटिस की समस्या होती है, जिनके जोड़ों में दर्द होता है, ठीक है, तो उनके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड काफी फायदेमंद होता है और वो अपने डाइट में इसको शामिल कर सकते हैं, ठीक। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है हमारे हेयर के लिए, हमारे नेल के लिए, हमारे स्किन के लिए काफी फायदेमंद होता है, ठीक है। जो लोग इसका यूज करते हैं तो उनकी जो स्किन होती है हाइड्रेटेड रहती है, उनमें रूखापन नहीं आता है, ठीक है, जिससे कि स्किन में ग्लोइंग आती है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि ओमेगा 3 जो फैटी एसिड होती है, इसके क्या सोर्सेज होते हैं, आपको कैसे लेना है, कहां से लेना है, ठीक है। दोस्तों, जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनके लिए फिश बहुत ही अच्छी चीज है, और सी कोड लीवर ऑयल का कैप्सूल आता है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ठीक है। फिश जो होता है दोस्तों, इसका गुड सोर्स होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड का। इसके अलावा दोस्तों, जो लोग वेजिटेरियन हैं वो अपना ओमेगा 3 फैटी एसिड प्लांट से ले सकते हैं, जैसे कि चिया सीड हो गया या अखरोट हो गया, इससे ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बेस्ट और गुड जो ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको मिलती है, वो फिश से मिलती है या फिश ऑयल से मिल सकती है आप, ठीक है। दोस्तों, बात करें अगर आप सी कोल्ड लिवर ऑयल कैप्सूल लेते हैं, तो आपको दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है, जैसे कि आप ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हैं या आप डिनर के बाद ले सकते हैं, ठीक है। ये रही दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड की पूरी जानकारी। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।